हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको कंसल्टिव डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका गोस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बीपी का दवा ले रहे हैं जैसे एमलोडिपिन, टेलमिसार्टन या वगैरह वगैरह जो भी दवा ले रहे हैं आप, तो ध्यान रखें, अपना बीपी मेंटेन रखें, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। तो क्या नुकसान हो सकता है? अब आपको बीपी है तो बीपी बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, जैसे किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट के आर्टरी में प्रॉब्लम या हार्ट के नली में प्रॉब्लम जैसे ब्लॉकेज, या कहीं आपके प्लाक, हार्ट के जो नली होते हैं, खून के सक्रिय नली होते हैं, तो वो सक्रिय हो जाते हैं, तो बेचारे हार्ट को खून के सक्रिय नली के द्वारा ब्लड को भेजना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। अगर किडनी में भी प्रॉब्लम है जैसे क्रिएटिनिन बढ़ा है या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है किडनी में, तो भी बीपी हाई हो सकता है। तो ध्यान रखें, अगर आपका बीपी का आप दवा ले रहे हैं तो बीपी मेंटेन रखें, यानी जो आपका बीपी का है वो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। तो ये आपके नॉर्मल वैल्यू है बीपी का, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना बीपी रखें, बीपी चार्ट बना लें और नियंत्रित अपना बीपी रखें। क्योंकि अगर बीपी हाई होते रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और ये लगभग महीनों से सालों से हाई होते रह रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, तब वहाँ पे आप आश्चर्यचकित होइएगा कि काहे हो गया। तो ध्यान रखें, अगर आपका बीपी हाई है तो बीपी मेंटेन रखें, नहीं तो आगे चल के अभी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो किसी किसी का कहना है कि बीपी जड़ से नहीं जाता है। काहे नहीं जाता जड़ से? पहले आप कभी ट्राई किए हैं जड़ से ख़त्म करने के लिए, या आप अपने कभी डॉक्टर से बोले हैं कि मेरा बीपी जड़ से क्यों नहीं ख़त्म होगा? अच्छा, कोई भी बीमारी जड़ से क्यों नहीं ख़त्म होगा? आप चाहेंगे तब तो जड़ से ख़त्म होगा। बीपी आपको नहीं पकड़ा है, अब आप बोलेंगे कि हमको बीपी पकड़ लिया है। सॉरी, बीपी आपको नहीं पकड़ा है, आप बीपी को पकड़े हुए हैं। आप दवा खा रहे हैं, दवा खाए जा रहे हैं, सालों से, 10-10 साल से दवा खा रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरा बीपी परमानेंट नहीं ठीक हो सकता है, क्या ये क्यूरेबल नहीं है? तो जब आप ही नहीं पूछते हैं, आप ही सवाल नहीं करते हैं, तो फिर डॉक्टर तो बोलेगा ही, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था हो गया है। दवा भी रहेगा, बीमारी भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा और मरीज भी रहेगा, ये चारों खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं होगा। तो ध्यान रखें, आप अगर चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि बीपी क्यूरेबल हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए, बीपी का दवा बंद हो जाए, तो ये बिल्कुल बंद हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब आप चाहेंगे, आप अपने डॉक्टर से सवाल करेंगे, ये बीपी का दवा परमानेंट क्यों नहीं बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बंद। आप अगर चाहें तो बीपी का दवा बंद हो सकता है, आप अगर चाहें तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है, आप अगर चाहें तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप सवाल तो कीजिए। तो यही मेरा मकसद था कि अगर आपको हाई बीपी है और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप कंट्रोल करिए, क्योंकि ये इससे आपका किडनी इंजरी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ये सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगर आपको बीपी हाई है तो प्लीज़ बीपी अपना मेंटेन रखिए, बीपी चार्ट रेडी करिए और हमेशा बीपी मॉनिटरिंग करते रहें कि कितना बीपी है, और हाई है तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने डॉक्टर के गाइडलाइंस में रहें और डॉक्टर से सवाल करें कि मेरा बीपी क्यों नहीं क्यूरेबल होगा, क्यों नहीं परमानेंट ठीक होगा। तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो बीपी अगर हाई है तो उसको मेंटेन रखें, मेरा यही आग्रह है आपसे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।